नमस्कार दोस्तों, एमी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने काफ़ी दिनों तक वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक के अंदर दो या तीन वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्विक हील टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और देखेंगे कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके बिजनेस एनालिसिस की और देखेंगे कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके कंपटीटर कौन है और आने वाले समय में इसके बिजनेस में क्या ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की और चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कंपनी की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और कहाँ पे इसकी बाइंग लेवल हो सकती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके प्राइस फोरकास्ट की कि आने वाले एक या दो साल के अंदर ये कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में कि इस कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर खरीदना चाहिए तो उसके क्या रीजन्स हैं, अगर नहीं खरीदना चाहिए तो उसके क्या रीजन्स हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्विक हील टेक्नोलॉजी, तो दोस्तों इसका प्राइस फिलहाल 172 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके 52 वीक हाई और लो के, तो दोस्तों इन्होंने 14 अक्टूबर 2020 को बनाया था, 183 का हाई बनाया था। अगर हम बात करते हैं इसके लो की, तो 19 मार्च 2020 को बनाया था 63 रुपये के आसपास इसने अपना लो बनाया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके रिटर्न की। दोस्तों वन ईयर में कंपनी ने रिटर्न दिया है 36.52%, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर हम बात करते हैं थ्री ईयर की, तो थ्री ईयर में कंपनी ने रिटर्न दिया है 43.93% नेगेटिव के अंदर, जो कि काफ़ी ख़राब बात है। लेकिन अगर 10 ईयर की बात करते हैं, तो दोस्तों 10 ईयर ओल्ड ये लिस्टिंग कंपनी है नहीं, तो यहाँ पे रिटर्न इसका दिखाई दे नहीं रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके कुछ फंडामेंटल्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1133 करोड़ है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्राइस अर्निंग रेशियो की, दोस्तों वो काफ़ी शानदार है, 14.2। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू 109 है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है प्राइस टू बुक वैल्यू, दोस्तों वो भी काफ़ी शानदार है, 1.61, मतलब ये प्राइस टू बुक रेशियो है, काफ़ी शानदार है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके डिविडेंड यील्ड की, दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी है, 2.27% ये डिविडेंड यील्ड कंपनी देती है। मतलब अगर आपने पैसे लगाए तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा वो तो अलग है, लेकिन 2.27% आपको रिटर्न मिल ही मिल जाएगा डिविडेंड की वजह से। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी दोस्तों 13.8 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, जो कि 72.8% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी शानदार है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, जीरो डेप्ट है कंपनी के ऊपर और प्लीज़ परसेंटेज भी जीरो है, तो ये काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल है इसके। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। तो दोस्तों किसी कंपनी का अगर फ्यूचर जानना है, तो किसी भी धंधे का अगर फ्यूचर जानना है, तो उसकी चार चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये अगर चार चीज़ आपको पता चल जाती है किसी भी कंपनी का, तो मैक्सिमम आप चीज़ें जान पाओगे कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, अगर 2011 से लेकर 2016 तक कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार रही है, लेकिन अगर हम बात करें 2019 की 2020 की, तो कंपनी की जो सेल्स में है वो डीग्रोथ हुई है, तो ये काफ़ी थोड़ा इशू है कंपनी के लिए। लेकिन अगर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, तो हमें ज़्यादा आइडिया हो पाएगा कि आने वाले समय में कंपनी की जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जून 18 से लेके और सितंबर 20 तक इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। अगर हम बात करते हैं जून 18 के, तो इसकी जो सेल्स है वो 52.79 करोड़ के आसपास थी। अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं, तो 43.52 के आसपास है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, तो 9.27 और नेट प्रॉफिट सिर्फ 6.44 के आसपास है। उसके बाद दोस्तों सितंबर 18 के अंदर कंपनी का शानदार क्वार्टर रहता है, जो सेल्स है वो 108 करोड़ की हो जाती है और जो नेट प्रॉफिट है वो 37 का चला जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का बहुत शानदार क्वार्टर रहा। लेकिन आप देख पा रहे हो कि दिसंबर 19 तक, लास्ट ईयर तक, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहे, कभी अच्छा क्वार्टर आता था, कभी ख़राब आता था। लेकिन अगर हम देख पा रहे हो मार्च 20, जून 20 और सितंबर 20 का जो क्वार्टर है, उसमें कंसिस्टेंसी दिखाई दी है, लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी अभी जो लास्ट 3 क्वार्टर है उसके अंदर कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ रेशियोज की, इंपॉर्टेंट रेशियोज की। जैसे कि आप देख पा रहे हो पहला रेशियो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ और इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों 2016 में देखते तो 9.2 से,
9.2 है, लेकिन अगर मार्च 20 में देखते हैं तो 11.55 है। मतलब कंपनी ने अपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाई है और साथ में उसको मेंटेन भी किया है। अगर हम बात करते हैं ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोस्तों वो जो मार्च के अंदर 9.17 थी, जो कि अभी मार्च 20 के अंदर लगभग 15.67 हो गई है। तो काफ़ी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे रिटर्न ऑन एसेट, ये कंपनी के पास जो एसेट है उसके वहाँ पे उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों वहाँ भी अगर 10.68% का रिटर्न मिल रहा है, मतलब कंपनी की जो रिटर्न ऑन रेशियो है वो लगभग 10 से ऊपर है। अगर बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 11 है, अगर ROEC की बात करते हैं तो 15 है, अगर रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं तो 10.68 है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न रेशियो है कंपनी का। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके मार्जिन रेशियो की, कंपनी का मार्जिन कितना है। दोस्तों कंपनी का मार्जिन है वो बड़ा ही शानदार है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, दोस्तों मार्च 19 के अंदर 44 था, जो कि मार्च 20 के अंदर कम हो गया, 35 हो गया। लेकिन बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं हम, तो मार्च 19 में 29 था और मार्च 20 में 26 हो गया, थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। लेकिन 26 का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मैक्सिमम कंपनी का रिसर्च करोगे तो उनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 8 मिलेगा, 8 टू 10 मिलेगा, या जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15 या उससे अबो होता है तो उसको काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन माना जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कंपनी का 26 है, जो कि बेहतरीन है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों अगर किसी कंपनी का आपको शॉर्ट टर्म के अंदर उसकी लिक्विडिटी जानना है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो आपको दो रेशियो जानना बहुत जरूरी है, एक तो करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटी, और क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट अपन करंट लाइबिलिटी। दोस्तों दोनों ही काफ़ी शानदार है। अगर किसी कंपनी का क्विक रेशियो 1 और करंट रेशियो 2 होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो क्विक रेशियो 9 है और करंट रेशियो 10 है, जो कि काफ़ी शानदार है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसे कि आपको पता है कि प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 72.83% की, जो कि काफ़ी शानदार है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं FIs के, तो लगभग 14 FIs ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और होल्डिंग है 2.16, और जिन्होंने लास्ट क्वार्टर के अंदर 0.25% की जो स्टेक है वो कम की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है कि थोड़ी सी FIs ने कम कर दिया है। और वहाँ पे अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के पास, तो कोई म्यूचुअल फंड इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रखा, ये थोड़ा इश्यू है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं NIIs की, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, जिन्होंने लगभग 24.88% की होल्डिंग ले रखी है। तो दोस्तों ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसे अपने को साफ पता है कि जो प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है और FIIs के पास थोड़ी सी होल्डिंग है माइनर, बाकी NIIs के पास है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बिजनेस एनालिसिस की, कंपनी का बिजनेस कैसा है। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी एक क्विक हिल सिक्योरिटी सिंप्लीफाइड, मतलब सिक्योरिटी की कंपनी है। सिक्योरिटी मतलब ये आपके इंटरनेट की सिक्योरिटी करती है, आपकी इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी करती है, बेसिकली एंटीवायरस बनाती है, जैसे कि विंडोज पीसी के लिए बनाती है, मैक पीसी के लिए बनाती है, विंडोज सर्वर के लिए बनाती है, मल्टी डिवाइसेस के लिए एंटीवायरस बनाती है, एंड्रॉइड मोबाइल के लिए भी अपने जो एंटीवायरस बनाती है, और स्मार्ट होम्स। दोस्तों हम बात करेंगे क्योंकि पीसी के बारे में आपको सबको पता है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या है एंड्रॉइड मोबाइल में कोई एंटीवायरस नहीं रखते, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई बड़ा साइबर अटैक हुआ नहीं है। जिस दिन कोई बड़ा साइबर अटैक इंडिया के अंदर हो गया तो उस दिन हर कोई बंदा हर एंड्रॉइड मोबाइल में अपना एंटीवायरस रखेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक एंड्रॉइड मोबाइल के एंटीवायरस की कीमत लगभग 200 रुपए से 250 रुपए है। तो 200 रुपए 250 रुपए तो हर कोई भी बंदा महीने का रिचार्ज कराता है, तो एंटीवायरस खरीदना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रहेगा, क्योंकि सबको अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करना है। और दोस्तों आपको पता है आने वाले समय में स्मार्ट होम आ रहे हैं, अब जो भी मैक्सिमम घर बन रहे हैं वो स्मार्ट बन रहे हैं, ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाती है, अब कहीं भी बाहर जाओ वहाँ से लाइट बंद कर सकते हो, कुछ भी गाने चला सकते हो, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। तो वहाँ पे स्मार्ट होम की वजह से ये जो वहाँ भी घर की सिक्योरिटी चाहिए हर किसी को, तो वहाँ पे भी इस कंपनी का बड़ा फायदा होगा। उसके बाद दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हो कि स्मार्ट कार आने वाले समय में स्मार्ट कार भी आ रही है, बेसिकली कुछ चल रही है और आने वाले समय में काफ़ी इसकी डिमांड है कि स्मार्ट कार आ रही है। आप कहीं बैठे उसको स्टार्ट कर सकते हो, अपनी कूलिंग कर सकते हो, मतलब और भी अच्छी स्मार्ट गाड़ियाँ आएंगी कि सब सेंसर से चलेगी, तो वहाँ भी सिक्योरिटी चाहिए और वहाँ भी एंटीवायरस चाहिए होगा आने वाले समय में। तो आने वाले समय में कंपनी का फ्यूचर है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इससे कंप्यूटर, दोस्तों इंडिया में ही नंबर वन कंपनी है। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं तो नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, जो कि मैंने थोड़ा बहुत नाम सुना है। उसके बाद प्रीमियम AV एंटीवायरस, जो कि शायद मैंने बहुत कम नाम सुना ही नहीं इसका, K7 इंटरनेट सिक्योरिटी और ईस्कैन, ये इसके कंप्यूटर है। तो सबसे नंबर वन तो कंपनी यही है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इंडिया के अंदर एक्वायर कर रखा है। अगर हम बात करते हैं फॉरेन की, दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे नॉर्टन कंपनी है एक US की, जो अभी फिलहाल ट्राई कर रही है इंडिया के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी के मामले में, लेकिन क्विक हिल काफ़ी बड़ा प्लेयर है इस मामले में इंडिया के अंदर।
दोस्तों हम बात करते हैं इसके चार्ट एनालिसिस की। तो जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, ये इसका लाइफ टाइम चार्ट है। अगर हम इसका लाइफ टाइम हाई देखते हैं तो लगभग 403 रुपए के आसपास है। अगर हम लो देखते हैं तो दोस्तों 63 आसपास के आसपास है, जो अभी इन्होंने फिलहाल बनाया है। तो ये इसका लोअर हाई है। तो दोस्तों अगर हम एक परसेंट माने कि अगर अपना ये अपना हाई भी छूता है, 400 के आसपास जाता है, तो काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस चार्ट के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब शेयर 400 रुपए पे था उस टाइम जब कंपनी के अंदर गिरावट आई, तो इस जो लाइन है, जो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है 273 रुपए के आसपास। देखो पहले भी स्टॉक ने इसके ऊपर एक अच्छा सा सपोर्ट लिया था, उसके बाद उसने बाउंस बैक किया था, लेकिन दोबारा जब इसके आया तो ये सपोर्ट रोक नहीं पाया और इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद शेयर ने इसके ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये जो एक रेंज है लगभग 192 रुपए के आसपास से और 232 के आसपास, इस टाइम इसमें शेयर ने काफ़ी टाइम बिताया, लगभग 6 से 7 महीने लगभग इसी के अंदर ट्रेडिंग हुई है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इस लाइन को तोड़ता है तो इस लाइन को जो 141 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, इसकी काफ़ी बार तोड़ तीन या चार बार इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, तो शेयर काफ़ी नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, आगे जब भी स्टॉक ने इस लाइन को क्रॉस किया है, 141 को तोड़ा है, तो उसके बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छी तेजी आई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगला इसका जो रेजिस्टेंस है वो 192 के आसपास है। अगर 192 के ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छी तेजी हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के अंदर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, अक्टूबर 2018 के अंदर 176 के आसपास इसने अपना सपोर्ट लिया था। उसके बाद आप देख पाओगे 2019 के अंदर अक्टूबर के अंदर भी इस स्टॉक ने 176 के आसपास अपना सपोर्ट लिया था। उसके बाद आप देख पा रहे हो दोस्तों, नीचे बॉटम बहुत ही शानदार स्टॉक ने बॉटम बनाया है और उसके बाद ये दोबारा 176 के आसपास ये गया है। आप देख पा रहे हो लगभग दो बार स्टॉक ने ट्राई किया है कि 176 को तोड़ दे लेकिन वो अभी तक तोड़ नहीं पाया है। तो दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर इस लाइन को 176 को जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है तो स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस फोरकास्ट की। दोस्तों लगभग ये 173 के आसपास था दिन में, तो आप देख पा रहे हो ये टिकर टेप की एक साइट है, आप उस पर देख सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर है, रिटर्न एफडी से अच्छा रिटर्न देता है, डिविडेंड भी दे रहा है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है और कोई रेड फ्लैग नहीं है, मतलब सब कुछ ग्रीन के अंदर है। स्टॉक के अंदर मुझे तो कोई अभी तक कमी दिखाई दी नहीं है इसके अंदर। हाँ हो सकता है इसको चलने में थोड़ा टाइम लग जाए, कि हो सकता है कि आप वेट करना पड़े, आपको एक साल का वेट भी करना पड़ सकता है कि एक साल तक ये ज़्यादा इसी रेंज में ट्रेड करता रहे, लेकिन जिस दिन ये चलेगा उस दिन इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों इसको बिल्कुल खरीदना चाहिए क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट इशू हो जाएगा, लोगों की जरूरत बन जाएगी साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास ही रहे, लीक ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसके ऊपर सभी को ध्यान देना जरूरी है क्योंकि अभी बहुत से लोगों की इस पर नजर नहीं है, तो इस स्टॉक के अंदर पैसा जरूर लगाना चाहिए। अगर आप बात करते हैं किस प्राइस में खरीदना चाहिए, दोस्तों 140 से 160 के आसपास, इसके बीच में जब भी ये प्राइस आए आपको इसको खरीद लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।